दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। और जो कोई आता कभी बोल देते ब्लॉक से, यहाँ तो उसका पैसा आया ही नहीं जी, यहाँ तो जमा ही नहीं हुआ कुछ नहीं, पंचायत से पता करो। विकास में जैसे होता ना, एक मिनट, उन्होंने 2008 में पैसा जमा किया तो 70-30 में अगर ग्रुप का 6 आदमी बोल रहे हैं तो 30 इन्होंने दिए तो 70 का अंशदान हमने जमा नहीं किया इसमें। नहीं सर, ये हो नहीं पाया था सेक्शन ना, मतलब टाइम वर्क शुरू नहीं हो पाया, तो इनको 2010 में जो इनकी आज की क्या स्थिति है सर, ये पैसे इनको 2010 में दे दिए गए हैं और जैसे बैंक ट्रांसफर होता है तो उसे 100 रुपए कटे हैं, तो ये बोले कि 100 रुपए भी दो। मतलब 1 मिनट, अब आप चाहते हैं काम होना? अब नहीं, मैं अब तो मैं लड़ना चाहता हूँ जी ना, मैं इसके लिए मंत्री जितने भी थे हिमाचल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मैं गया इसके लिए, 3 एप्लीकेशन मेरे प्रधानमंत्री जी के पास गई, जो वहां से आया लिख के यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं बस मरना ही चाहता हूँ। नहीं तब तो अब क्या चाह रहा है? नहीं, आप ये काम चाहते हैं क्या चाहते हैं? अब तो मैं कुछ नहीं चाहता, इनको 100 रुपए जो कटा है वो चाहिए। हाँ जी, अब मेरा ये फैसला है आखिरी, आज आया हूँ जो इधर, कि अगर कंपनी में ये फैसला नहीं होता तो आत्महत्या कर लूंगा और लिख के जहाँ जहाँ हम गए वहाँ उनके उनके नाम छोड़ जाऊंगा उसमें, कि मैंने इनके पास गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की गई। इसका ये मतलब थोड़ी है, अगर आप ये व्यक्तिगत कार्य चाहते हैं तो हम आपको प्लस भूमि सुधार, या अगर आप कोई भी लड़ा भूमि सुधार हमने आपसे भूमि सुधार लेना आपसे 12 साल बाद आप भूमि सुधार दे दो। दिनाराम जी, दिनाराम जी तो डर लग गया, कुछ कर सकते है, ये तो और बुला दिन बैठे हुए यहाँ पर इस केस के पीछे, वो तो कुछ कर सकते मेरे, वो तो सब कुछ हुआ कहाँ से? अब जो कुछ आप करना चाहते हो वही चाहता हूँ। आप मंत्री जी, आपको स्कीम देना चाहते हैं? नहीं, स्कीम नहीं, इनसे कुछ लेना नहीं, मैं खुद करता हूँ, मैंने खुद लगाया वो टांगा, आप आके वहाँ पर भेजिए किसी को, 9 लाख रुपया लग गया उसमें। नहीं लगना, अब नहीं लगना, ढंग में लगा दिया वो ढंग, अब कहाँ लगाऊं? आपने शिकायत दी है जनमंच में, कुछ चाहिए आपको, जवान को क्या चाहिए तो बताओ। एक है ये जो मेरे को इतने परेशान किया 12 साल और मेरा 1000 रुपए खर्च कराए, ब्लॉक को 50-70 कटे, डीसी ऑफिस के कटे, डीसी ऑफिस से इंक्वायरी आई पहले दादा साहब से, मंत्री साहब ने लिखा। कब की बात है ये, कितने साल पहले की बात है? तो दादा साहब से आज मंत्री साहब ने लिखा डीसी साहब को, डीसी साहब ने भेज दिया। डिस्पोजल दिखाई, मैं चेक करूंगा। मेरे पास क्या है? बात सुनो, तो समय आपको चाहिए कि आपको अगर दंगे के लिए पैसा चाहिए वो चाहिए बताओ। मुझे तो निशाब चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? मुझे नहीं चाहिए, मुझे निशाब चाहिए सर। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, हुआ क्यों? तो इंक्वायरी मतलब तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी ने भी लिखा, प्रधानमंत्री जी से 3 एप्लीकेशन आई है मेरे को ऑफिस से कि आपके साथ इंक्वायरी की जाएगी, पर आज तक तो हुई नहीं, वहाँ तक पहुँचे उनकी दो इंक्वायरी करके रिपोर्ट इनको दी जाए, इंक्वायरी करके रिपोर्ट, अगर दिया जाए इतने। हाँ जी, अभी आज की तारीख में क्या चलते हैं, कितने लोग हैं, सबकी कंप्लेंट्स हैं, सबकी बातें आज यहाँ बात तो ठीक नहीं हो गई। आपकी कोई अभी शिकायत है? इंक्वायरी करता हूँ, इंक्वायरी इसकी, इस केस में तो इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, कि जो आपको जन सहयोग का नहीं मिला, हाँ, या उसके बाद नहीं दिया, उसकी इंक्वायरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो डीसी साहब बैठे हैं, मैं कह रही जो है वो एडीसी हैं, एडीसी आए हैं या इनके बारे भी आए थे, इनके पहले जो खाई थी इतनी बड़ी गई वो कहाँ थी? आप गए थे? ये नहीं गए थे, पहली बार आए हैं ये यहाँ? नहीं, एडीसी साहब पहली बार आए, मानते हम
बैठे भी तो डीसी साहब थे। तो अब आपको इंक्वायरी चाहिए तो इंक्वायरी मिलेगी, आप कैसे बोलते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। नहीं तो इंक्वायरी आप हमारी सहनशीलता पर जो है ना, आप सिर्फ तालियां बजवा रहे हैं। नहीं नहीं आपको बात करके तालियां बजवा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। नहीं जी नहीं, हम तो फिर आपको इंक्वायरी, देखिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको जो है दंगा चाहिए या आपको इंक्वायरी चाहिए? इंक्वायरी इंक्वायरी चाहिए तो एडीसी सोलन जो है ये बाकायदा मजिस्ट्रेट है, ये इंक्वायरी करेंगे आपकी कि भी आप इनको अपनी कंप्लेंट सारी दे दीजिए, 2007 से लेकर आज तक की सारी कंप्लेंट दे दीजिए, ये उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी रिपोर्ट देंगे और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बस ये कर दिया। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।